नमस्कार। क्रिएट पार्ट फाइल। ई ऑफिस में पार्ट फाइल कैसे क्रिएट करते हैं आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सपोज हमारी कोई मेन फाइल है और उसमें हमने कोई केस पुटअप किया है और हायर अथॉरिटी को सेंड कर चुके हैं। उसके बाद हमें सेम फाइल पर कोई केस दोबारा से पुटअप करना है तो हम उसकी पार्ट फाइल क्रिएट करेंगे। इसे क्रिएट करने के दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, सेंट पर जाएंगे और अपनी वो फाइल सिलेक्ट करेंगे जिसका हमें पार्ट क्रिएट करना है। सिलेक्ट करने के लिए हम सामने दिए हुए चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इस क्रिएट पार्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक विंडो खुलकर आएगी और उसमें आपका फाइल ऑटोमेटिकली फेच होकर आएगा। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी है। फिल करने के बाद आप क्रिएट पार्ट पर क्लिक करेंगे। अब दूसरा तरीका देखते हैं। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पर जाएंगे। यहां पर सेंट के नीचे आपको डायरेक्ट क्रिएट पार्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे। अगेन ये विंडो पॉपअप होगी। यहां पर ब्राउज फाइल करेंगे, ईयर में से वो ईयर सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमने वो फाइल पुटअप की थी। अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहां पर वो फाइल ऑटोमेटिकली फेच होकर आ जाएगी। अब हम बाकी की डिटेल्स भर के क्रिएट पार्ट पर क्लिक करेंगे।